हाय गाइस, मैं जय चौधरी। आज अपने साथ है ऑल न्यू मारुति सुजुकी अर्टिगा, स्पेशली बेस मॉडल की वीडियो आपके लिए लेकर आए हैं अपना LXi। अब देखो अर्टिगा का बेस मॉडल जो है ना, वो अपने को 10 लाख के अंदर ही अपना मिल जाता है ऑन रोड। तो देखो बेस मॉडल में आपको क्या कुछ खास मिलने वाला है, सब कुछ अपन एक्सप्लोर करेंगे। तो फटाफट से गाइस अपनी वीडियो स्टार्ट करते हैं, और मैं भाई उज्जैन से बिलोंग करता हूँ। जय श्री महाकाल भाइयों, बाकी आप कैसे देख रहे हो ये बात कौन की आप जो बताना। सबसे पहले अपन कार की से स्टार्ट करते हैं। देखो LXi में तो आपको अपनी बेसिक सी की मिलने वाली है, इससे कुछ आपको दो चाबियां साथ मिल जाएगी। और अब मैं आपको कार की सबसे इंटरेस्टिंग चीज़ इसकी ऑन रोड प्राइस में आपको बता देता हूँ। देखो हमारी सिटी उज्जैन में ये 10,05,000 रुपये की अपनी पड़ रही है। बाकी देखो कुछ सिटीज़ में तो अपनी 10 लाख के अंदर भी अपनी मिल जाती होगी। बाकी आपको अपनी और भी कुछ इंक्वायरी लेनी हो तो आप अपने यूकास पर कॉन्टेक्ट कर सकते हो। और अपन चलते हैं इसकी फ्रंट प्रोफाइल पर, जहाँ पर देखो सबसे इंटरेस्टिंग चीज़ लगती है इसकी अपने ग्रिल। तो ओवरऑल में आप देखोगे तो आपको इसमें अपने सिल्वर फिनिश आती है, अपने क्रोम फिनिश। बाकी बेस मॉडल में देखो ये चीज़ ज़्यादा अच्छी लग रही है, इसमें आपको पियानो ब्लैक में अपनी आती है। तो ये आप देखोगे ना तो अलग ही स्टैंड आउट अपनी कर रही है। तो मुझे तो देखो पर्सनली अपनी बेस मॉडल की ग्रिल अपनी ज़्यादा अच्छी लग रही है। बाकी बीच में आपको सुजुकी का लोगो अपने को देखने मिल जाएगा। और एक और बढ़िया बात कि आपको बेस मॉडल से अपने प्रोजेक्टर आ जाते हैं। बाकी ये हेलोजन लाइट ही आपको अपने मिलने वाली है, प्रोजेक्टर के साथ आपको रिफ्लेक्टर बेस्ड लाइट भी अपनी मिल जाएगी। तो थ्रो से भी आपको अपना कुछ कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करना पड़ेगा। साथ ही में आपको इंडिकेटर भी अपना हेलोजन में दे रखा है, बस आपको फोग लैंप की अपनी कमी लगेगी। तो आप एज एन एसरीज अपना इंस्टॉल करा लेना। बाकी यहाँ पर आपको ब्लैक फिनिश ही अपनी मिलती है, चाहो तो आप यहाँ भी अपना क्रोम इंस्टॉल करा सकते हो। बाकी यहाँ पर अपनी नंबर प्लेट लग जाती है और ऐसी कुछ अपनी स्कीट प्लेट है। बाकी अपन चलते हैं साइड प्रोफाइल पर, तो काफ़ी अच्छी लंबी गाड़ी आपको अपनी मिलने वाली है। बेस मॉडल में आपको टायर प्रोफाइल वगैरह मैं आपको बताऊं तो देखो स्टील रिम ही आपको अपने मिलेंगे। बाकी टायर सेक्शन आपको 185/65 R15 15 इंच का आपको इसमें स्टील रिम्स अपने मिल जाते हैं। ब्रिजस्टोन के टायर्स आपको दे रखे हैं। बाकी फ्रंट में आपको अपनी डिस्क भी अपनी मिल जाती है, और फ्रंट में आपको 1% स्टड्स विद कॉइल स्प्रिंग सस्पेंशन अपने मिल जाते हैं। कि बेस मॉडल है तो इंडिकेटर आपको यहाँ पर ही अपना मिलने वाला है, और ORVM भी जो है आपको फुल अपना ब्लैक में आता है। बाकी ये आपको हाथ से अपना फोल्ड करना पड़ेगा। और यहाँ पर आप देखोगे तो ए पिलर बी पिलर आपको बॉडी कलर में दे रखे हैं, बाकी सी पिलर अपने को ब्लैक में अपना दे रखा है। और बेस मॉडल में आपको ये अपने डोर हैंडल भी अपने ब्लैक में आपको देखने को मिलेंगे। जो ग्राउंड क्लियरेंस तो अपना सफिशियंट है, आपकी गाड़ी हर कहीं तो अपनी नहीं अड़ेगी, तो कोई दिक्कत नहीं आएगी। ऑफ रोडिंग भी आप अच्छे से अपना कर पाओगे। और बाकी यहाँ पर अपनी फ्यूल लिड अपनी आ जाती है, और क्वार्टर ग्लास आप देखो कितना बढ़िया, मतलब अर्टिगा के देखो ग्लास काफ़ी बड़े रहते हैं। अब इनकी क्या खास बात है वो अभी आपके साथ अपने अंदर चल के अपन एक्सप्लोर करेंगे। बाकी ऐसे कुछ आपको बेस मॉडल में सिंपल सादी सी अपनी रूफ अपनी मिल जाती है। आपको नॉर्मली एंटीना ऐसा अपना मिलने वाला है। और रियर अपन देखें तो रियर में तो आपको ड्रम ब्रेक्स ही अपने मिलने वाले हैं, और रियर में आपको टॉर्सन बीम विद कॉइल स्प्रिंग सस्पेंशन अपने मिल जाते हैं। तो गाइस अपन चलते हैं रियर प्रोफाइल पर। देखो बेस मॉडल में आपको ऑलमोस्ट टॉप मॉडल जैसी फील तो अपने को आई जाती है, बस आपको यहाँ पर अपनी कमी लगेगी वाइपर वॉशर डिफोगर वगैरह की। बाकी स्टॉप लैंप वगैरह आपको अपना मिल जाएगा, और स्पॉइलर भी नहीं अपने को नहीं मिलता है। बाकी मैं तो आपको ये रिकमेंड करूँगा कि भाई इसमें बढ़िया स्पॉइलर वगैरह अपना लगवा लेना, और रूफरेस आप लगवा लोगे ना तो अपने गाड़ी के लुक्स और अपने इनहांस हो जाते हैं। आप देखो बेस मॉडल में आपको बस यही थोड़ी अपनी कमी लगेगी, एक तो इसका डोर हैंडल वगैरह ये सब आपको ब्लैक में मिलते हैं अपने ORVM वगैरह। बाकी तो ऑलमोस्ट देखो टॉप मॉडल जैसे ही अपना लुक आता है बढ़िया, आप इसमें अलॉय वगैरह लगवा लो तो टॉप मॉडल जैसी फीलिंग आपको आ जाएगी। बाकी ऐसे कुछ आपको टेल लैंप की डिज़ाइन अपनी मिल जाती है, वही अपने हेलोजन में अपना सेटअप रहता है सारा। आपको इसमें इंडिकेटर और अपने रिवर्स लाइट भी हेलोजन में आती है, और यहाँ पर आपको अर्टिगा की ब्रांडिंग आ जाएगी। बाकी बेस मॉडल में आपको बढ़िया 4 पार्किंग सेंसर्स अपने मिल जाते हैं, दोनों तरफ आपको इसमें रिफ्लेक्टर्स अपने मिलने वाले हैं। इधर आपको स्मार्ट हाइब्रिड की ब्रांडिंग मिल जाएगी, इधर अपना सुजुकी का लोगो है, और ये अपने को वाइट फिनिश ही आती है मतलब बॉडी कलर में। बाकी टॉप मॉडल्स वगैरह में अपने ऑफर्स में यहाँ पर क्रोम आ जाता है। और अपन चलते हैं इसकी बूट स्पेस पर। देखो पेट्रोल वाली में तो आपको बहुत ही बढ़िया बूट स्पेस अपनी मिल जाएगी, एज अ 7 सीटर आपको इसमें बहुत ही बढ़िया अपनी बूट स्पेस अपनी मिलने वाली है। बाकी देखो बेस मॉडल में आपको CNG का ऑप्शन तो अपना नहीं मिलता है, वो अपने को VXi से स्टार्ट होता है। देखो CNG में तो देखो अपने को बूट स्पेस से कॉम्प्रोमाइज़ करना पड़ता है, क्योंकि वहाँ इसमें फिर यहाँ तक अपना हम्प आ जाता है, तो फिर अपनी इतनी स्पेस ही अपनी यूटिलाइज कर पाते हैं। और देखो पेट्रोल में तो आपको बढ़िया स्पेस अपनी मिल जाएगी, बढ़िया यहाँ तक अपने सामान रखाए जाएंगे, 3-4 बैग तो देखो बहुत बढ़िया आराम से अपने रखाने वाले हैं। और देखो ज़्यादा आपको बूट स्पेस अपनी लेनी हो तो ये दोनों सीट आप अपनी फोल्ड भी कर सकते हो। बाकी यहाँ पर आपको अपना जैक वगैरह दे रखा है इसके अंदर, और यहाँ पर आपको टायर स्पेयर का ये नट अपना दे रखा है, इसका जो अपना स्पेयर व्हील है वो यहाँ पर अपने नीचे दे रखा है। बाकी ये भी स्टील रिंग ही मिलता है, बाकी सेम ही साइज़ में आपको अपना मिल जाता है, बाकी तो आपको कुछ खास यहाँ पर अपना मिलेगा नहीं। अपन इसको बंद करते हैं और अपन इंटीरियर में चलते हैं। डोर ट्रिम आप चेकआउट कर सकते हो, बढ़िया बेज कलर में अपने को आता है, और साथ ही में थोड़ी ब्राउन फिनिश भी आपको यहाँ पर अपने को देखने मिल जाएगी। बाकी सब दूर देखो अपना हार्ड प्लास्टिक ही है, और यार देखो फिट एंड फिनिश वगैरह अच्छी है, मतलब इससे आपको क्वालिटी इसकी अच्छी लगेगी।
बाकी आपको बेस मॉडल में अपने चारों पावर विंडो अपनी मिलने वाली है। सेंटर लॉकिंग का बटन भी आपको मिल जाएगा, विंडो लॉक करने का भी आपको बटन मिल जाएगा। बस बेस मॉडल में आपको ये कमी मिलेगी कि आपको इसमें अपने एडजस्ट और फोल्ड दोनों हाथ से मैनुअली अपने करने पड़ेंगे। बाकी नीचे आपको बोतल होल्डर, कुछ स्पेस और स्पीकर की हाउसिंग आपको मिल जाएगी। बेस मॉडल आपको स्पीकर वगैरह तो नहीं मिलेंगे, वो भी अंदर अपन चल के बात करेंगे। बाकी आपको यहाँ पर अपना फील्ड ओपन करने का बटन मिल जाएगा। बाकी सीट आप अपनी रिक्लाइन कर सकते हो, बाकी हाइट एडजस्टमेंट वगैरह तो इसमें नहीं अपना दे रखा है। बाकी फैब्रिक अपहॉस्ट्री में आपको अपनी सीट मिलती है, ये भी अपनी बेज कलर में है। और अपन चलते हैं इसके इंटीरियर में कि भाई बेस मॉडल में आपको कैसा क्या अपना इंटीरियर मिलने वाला है, क्या कुछ आपको फीचर्स अपने मिलने वाले हैं। देखो बेस मॉडल से आपको इसमें अपना ट्रैक्शन कंट्रोल भी अपना मिल जाता है, आइडल स्टार्ट स्टॉप भी आपको अपना मिल जाता है, ABS, ABD ये सब आपको अपना मिल जाएगा। बेस मॉडल में आपको इसमें दो एयरबैग्स भी अपने मिल जाते हैं। बस ये है कि आपको कमी यहाँ पर लगेगी तो सबसे बड़ी कमी आपको इंफोटेनमेंट की लगेगी, तो वो आपको अलग से अपनी लगवानी पड़ेगी स्पीकर वगैरह, तो आपके पसंद के हिसाब से आप लगवा लेना। ये दो भाई आपको इससे कुछ ज़्यादा कमी आपके लगेगी नहीं अगर आप VXI भी अपना लोगे तो, इसलिए LXI भी देखो बढ़िया रहता है, अपने हिसाब से जरूरत की चीज़ें आप लगवा लो, इसलिए ज़्यादा वैल्यू फॉर मनी इवेंट अपने लिए LXI भी अपना हो जाता है। भाई क्लस्टर भी आप देख सकते हो, बेस मॉडल में आपको बढ़िया अपनी फील देने वाला है। यहाँ पर आपको स्पीडोमीटर आ जाता है, इधर अपना RPM मीटर, बीच में आपको MID भी अपनी मिल जाएगी, इसमें आपको सारी बेसिक इन्फॉर्मेशन अपनी मिलने वाली है। एवरेज फ्यूल इकोनॉमी इसमें तो अभी 4.7 की अपने बता रहा है, जैसे गाड़ी अपनी 9 किलोमीटर ही अपनी चली है। आप ये बटन अपना प्रेस करोगे तो काफ़ी सारी इन्फॉर्मेशन आपको यहाँ पर ये देखो मिल जाएगी। और इधर अपन देखें तो अपने हेडलैम्प के कंट्रोल से इधर आपको वाइपर के कंट्रोल्स अपने आ जाते हैं। और देखो AC की कूलिंग वैसे अच्छी आ रही, अभी तो हमने 3 पर ही करा है, ये देखो 4 पर कर दी तो एक नंबर है। और अभी तो देखो गाड़ी अपनी बंद भी है फिर भी AC कूलिंग तो अच्छी लग रही है यार मेरे को, तो AC तो आपको अपना बढ़िया मिलेगा। बाकी मिनरल AC कंट्रोल्स ही आपको अपने मिलने वाले हैं। और नीचे आप देखोगे तो आपको टॉयलेट का सॉकेट मिल जाएगा, बाकी पोर्ट नहीं मिलेंगे। और यहाँ पर आपको दो कप होल्डर सबने मिल जाएंगे, थोड़ी बहुत स्पेस आपको अपनी मिल जाएगी। और ये भी कोल्ड बॉक्स है क्या यहाँ पर? हाँ यार हवा तो आ रही है यार, बढ़िया यार अपने को बेस मॉडल में आपको कोल्ड आपको कप होल्डर सबने मिलने वाले हैं। बाकी 5 गियर आपको अपने मिल जाएंगे, गियर शिफ्टिंग भी बढ़िया आपकी स्मूथ ही रहने वाली है। और यहाँ पर आपको हैंड ब्रेक अपना मिल जाएगा, इधर थोड़े कॉइन वगैरह रखने के लिए स्पेस मिल जाएगी, चाहो तो यहाँ भी आप कुछ अपना रख सकते हो। बाकी स्टेयरिंग व्हील आपको बेसिक सी अपनी मिलने वाली है, इसमें बस आपको हॉर्न ही अपना मिलेगा, बाकी कुछ भी कंट्रोल्स आपको इसमें अपने नहीं मिलने वाले हैं। VXI अगर अपन ले लेते हैं तो उसमें थोड़े बटन्स आपको आ जाते हैं, बाकी इसमें आपको नहीं आएंगे। और स्टेयरिंग में एडजस्टमेंट अपन देखें तो टिल्ट आपको अपना मिल जाता है, बाकी टेलीस्कोपिक आपको इसमें अपना नहीं मिलेगा। नीचे आप भाई देखो मैनुअल गाड़ी है फिर भी आपको बढ़िया अपना डेट पेडल भी अपना मिलने वाला है। और तो गाड़ी का क्लच भी अपना बढ़िया लाइट ही है, कोई भी चलाएगा तो चलाने मामले में भी सबके लिए बढ़िया मस्त रहेगी। और बोनट तो देखो इसमें ठीक ठाक ही अपना विजिबल रहता है, ऐसा कुछ ज़्यादा विजिबल आपको रहेगा नहीं। और यहाँ पर आप देखोगे तो टिकट होल्डर आपको मिल जाएगा, IRV मैनुअल एडजस्टेबल, हेलोजन में लाइट, और इधर आपको वेनिटी मिरर वगैरह कुछ अपना मिलता नहीं है। बाकी स्पेस ग्लव बॉक्स में देखें तो ठीक ठाक ही आपको मिल जाएगी, अब ग्लव बॉक्स में ठीक ठाक स्पेस है, पर आपको केबिन में बहुत बढ़िया स्पेस अपनी मिलने वाली है। बढ़िया खुला खुला सा अपना केबिन मिलता है, बहुत ही कंफर्टेबल रहता है उसमें, ड्राइवर के लिए को पैसेंजर के लिए बहुत ही कंफर्टेबल सीट दे रखी है। लॉन्ग ड्राइव्स में सच में एकदम मस्त मक्खन जैसे आप जाओगे, कोई दिक्कत अपनी आने वाली है, इसलिए तो लोग अपने IRTIGA कंसिडर करते हैं। एक तो अपने को इतनी बढ़िया बड़ी 7 सीटर कार मिल जाती है, ऊपर से कम्फर्ट आपको वन ऑफ द बेस्ट अपना मिल जाता है। भाई सबन चलते हैं सेकेंड रो में और यहाँ भी आपको कम्फर्ट अपना बताते हैं। बाकी उससे पहले आप डोर ट्रिम आप चेकआउट कर सकते हो, फुल बेस में आपको सिंपल सा अपना मिलता है, यहाँ पर कुछ भी आपको डुअल टोन फिनिश अपनी नहीं मिलेगी। बाकी पावर विंडो का बटन आपको मिल जाता है, बाकी तो वही सब चीज़ें आपको अपनी मिलने वाली है। और डोर देखो कितना वाइड अपना ओपन हो जाता है, तो अंदर बाहर जाने में बहुत ही ईजी आपका रहने वाला है। और देखो ड्राइवर सीट तो मैंने पूरी अपनी पीछे कर ली, फिर भी देखो लेग रूम बच रहा है यार, बताओ यार। और थाई सपोर्ट भी अपने को डिसेंट अपना मिल जाता है, तो इसमें स्पेस में तो आपको कुछ भी कॉम्प्रोमाइज अपना IRTIGA में करना नहीं पड़ता है। और बीच में हम तो इसमें दे नहीं अपना कर रखा है, तो 3 लोग देखो बहुत ही आराम से अपने बैठ जाते हैं यहाँ। और IRTIGA में सबसे अच्छी बात तो ये लगती है कि देखो आगे तो स्पेशियस है ही सही केबिन, और सेकेंड रो का तो और ज़्यादा फील होता है। आप इसका ग्लास देखो कितना बड़ा है यार, तो बढ़िया आपको खुला खुला से ही अपना केबिन लगता है। आप देखो IRTIGA में आप आगे बैठ जाओ, पीछे बैठ जाओ, या थर्ड रो में बैठ जाओ, सब जगह कंफर्टेबल रहती है। इसलिए तो यार ये गाड़ी मार्केट में इतना रूल कर रही है, इतने कम बजट में आपको इतनी बढ़िया 7 सीटर अपनी कार मिल जाती है, तो बहुत ही बढ़िया ऑप्शन अपने लिए रह जाता है। अगर आप इसको बिजनेस के पर्पज से भी अपना लेना चाह रहे हो, फैमिली के हिसाब से भी अपना लेना चाह रहे हो, सब मिले अपने लिए बढ़िया रहती है। अपन चलते हैं भाई थर्ड रो में, तो आपको ऐसे कुछ अपनी सीट अपनी फोल्ड करनी पड़ती है। और यहाँ भी अंदर जाने का सिस्टम बढ़िया है, आसानी से अपन जा सकते हैं। और मेरी हाइट 5'8" के आसपास है, फिर भी देखो लेग रूम अपना बच जा रहा है, थाई सपोर्ट तो ठीक है, यहाँ तो ज़्यादा क्या मिलेगा। बाकी आराम से बैठ सकता हूँ मैं यहाँ पर, कोई अपनी दिक्कत नहीं है।
और हेडरूम में अगर आपको बताऊं तो वो भी अपना डिसेंट है, तो लॉन्ग जर्नी भी आप यहाँ पर बैठ के वैसे तो कर सकते हो, एडल्ट्स भी अपने बैठ सकते हैं और बच्चों को बैठने में तो कुछ भी अपना इशू नहीं आएगा। दो एडजस्टेबल हेडरेस्ट आपको, क्या बात है, बेस मॉडल में आपको अपने थर्ड रूम में मिल जाते हैं, सेकेंड रूम में आपको दो अपने हेडरेस्ट अपने मिलने वाले हैं, बस बीच वाले को बेचारे को नहीं मिलेगा। बाकी यहाँ पर आपको बोतल होल्डर दोनों तरफ में मिल जाते हैं, आपको हेलोजन लाइट अपनी मिल जाएगी, ग्रेवेल आपको थर्ड रूम में भी अपने दे रखे हैं, और क्वार्टर ग्लास आप देखो ये भी अपना कितना बड़ा है, तो पीछे वाले को भी बढ़िया सफोकेशन तो बिल्कुल भी अपना फील नहीं होने वाला है, मस्त है भाई। इस ओवन सबसे मेन चीज़ की बात कर लेते हैं इंजन की, जिसके लिए तो भाई अर्टिगा सबसे ज़्यादा अपनी जानी जाती है, तो इसमें आपको 1.5 लीटर का 4 सिलेंडर K15C इंजन मिलता है, जो प्रोड्यूस करता है ऑलमोस्ट 102 BHP पावर एंड 136 Nm का टॉर्क। अब देखो मारुति की जितनी भी अपनी दूसरी भी 1.5 लीटर की गाड़ियाँ आती है, जैसे अपनी ब्रेजा हो गई, ग्रैंड विटारा हो गई, सब में अपने को ये इंजन मिलता है, तो बहुत ही ज़्यादा ट्रस्टेड एंड रिफाइंड एंड रिलायबल इंजन आपको अपना मिलने वाला है। लाखों किलोमीटर आप गाड़ी चलाओगे कुछ भी अपना दिक्कत नहीं आने वाली है, लोगों ने इसको 3-3, 4-4 लाख भी चला लिया है, कोई अपने को दिक्कत नहीं आती है। आखिर लोग गाड़ी ये लेते हैं भाई खूब चलाने के लिए, तो खूब चलाओ, मौज काटो, कोई दिक्कत नहीं है, और साथ ही आपको माइलेज भी अपना दे देगी, अच्छा दे देगी। पेट्रोल में भी देखो आपको ये 19-20 का तो देखो आराम से अपना दे देगी, और हाईवे पर आप क्रूज़ करोगे तो 20 से ऊपर भी अपना दे सकती है। बाकी अगर आपको माइलेज का और अपना मजे लेना है तो आप VXI में अपने फिर CNG भी अपना ले सकते हो, उसमें देखो 26-27 तक का भी अपने को माइलेज दे देती है। और देखो सबसे बढ़िया वेरिएंट तो मुझे इसका बेस मॉडल भी लगता है, बढ़िया 10 लाख में लो, जितनी भी जरूरत की चीजें हैं 50-60 हज़ार में और लगवा लो, और एक नंबर 11 लाख में के अंदर आपकी गाड़ी हो जाएगी। बस भाई जितने साल आपको चलानी है चलाओ, कोई दिक्कत नहीं है, और अगर इच्छा करी बीच में सेल करने की तो फिर आपको रीसेल वैल्यू भी देखो अर्टिगा की बहुत अच्छी मिल जाती है। कि बोनट आप देखें तो देखो ठीक ठाक ही इसका वजन रहता है, अब देखो सब देखो अर्टिगा को बिल्ड क्वालिटी से ही ट्रोल करते रहते हैं, पर यार देखो 10 लाख की गाड़ी इतनी बड़ी अपनी मिल जाती है तो अपन और ज़्यादा क्या ही उम्मीद रखो। गाइस वीडियो को अपन यहाँ पर एंड करते हैं, यही था अपना बेस मॉडल अर्टिगा का, आपको बेस मॉडल इसका कैसा लगता है ये भी आप जरूर बताना। बाकी देखो बेस मॉडल ही अपने लिए काफ़ी अच्छा ऑप्शन आता है, आप भी एक बार इसको चेकआउट करके जरूर देखना। बाकी वीडियो को अपन यहाँ पर एंड करते हैं, आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी हो, वीडियो अच्छी लगी तो भाई लाइक जरूर कर देना, और चैनल भाई सब्सक्राइब करना मत भूलना भाई, चैनल भाई सब्सक्राइब नहीं करो तो मजा नहीं आएगा, इसलिए फटाफट चैनल सब्सक्राइब कर लो। मिलता है भाई फिर किसी इंटरेस्टिंग वीडियो में, वीडियो देखने के लिए थैंक यू सो मच।